बेटी जब बड़ी होगी तब सेक्स एजुकेशन पर उसके साथ बात जरूर करूंगा। सिंगर बादशाह। सिंगर और रैपर बादशाह फिल्म खानदानी शफा खाना से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म में बादशाह के साथ सोनाक्षी सिन्हा भी लीड रोल में हैं। ये फिल्म सेक्स एजुकेशन पर आधारित है। हाल ही में बादशाह ने फिल्म को लेकर बात की। इसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी के साथ सही उम्र में सेक्स एजुकेशन के बारे में बात जरूर करेंगे। बादशाह कहते हैं, मैं अपनी बेटी के बड़े होने का इंतजार कर रहा हूँ। एक सही उम्र में मैं उससे सेक्स एजुकेशन पर बात करूँगा। इस मुद्दे पर हमारे समाज में कोई बात नहीं करता। मेरी बेटी को सब कुछ पता होना चाहिए। बादशाह ने ये भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो ये सब कैसे करेंगे, लेकिन वो ऐसा करने के लिए काफी उत्साहित दिखे। बादशाह की बेटी का जन्म साल 2017 में हुआ था। फिल्म में अपने किरदार के बारे में बादशाह ने बताया कि उनका रोल फिल्म में गबरू घंटाक का है। उसके पास खूब पैसा है, महंगी गाड़ी है, उनका रहन सहन भी रईसों जैसा है, लेकिन वे एक लैंगिक बीमारी से भी जूझ रहा है। यह परेशानी क्या है ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा, लेकिन फिल्म के मुख्य संदेश की बात करें तो इसके हिसाब से उनका ये किरदार बिल्कुल परफेक्ट है। फिल्म को शिल्पी दास गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। ये 2 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। इसमें सोनाक्षी और बादशाह के अलावा अनु कपूर और वरुण शर्मा भी नजर आएंगे। फिल्म में सोनाक्षी बेबी नाम की लड़की का किरदार निभा रही हैं। बेबी अपने अंकल का फर्टिलिटी क्लिनिक चलाती हैं, जिसमें सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता है। हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा ने भी बताया था कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से कभी एडल्ट टॉक नहीं की है। वो कहती हैं, दोस्तों के साथ तो ऐसी बातें करना कम उम्र में ही शुरू हो गया था। स्कूल और कॉलेज में दोस्तों के साथ ये बातें करना नॉर्मल बात है। बातें करने से आपको बहुत सी चीजों की जानकारी मिल जाती है।